पिछले 3 दिनों से वैशाली के महुआ में लगातार हो रहे बारिश के कारण हर जगह पानी ही पानी है। महुआ नगर परिषद के वार्ड संख्या 14 और 16 में भीषण जल जमाव हो गया है। इसके अलावे गौसपुर चकमजाहित पंचायत के कादिलपुर और मुरादपुर गांव में भी भीषण जल जमाव हो गया है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गांव में क्या हालात हैं। जल जमाव के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मजदूरी करने वाले लोग इसी पानी से होकर अपने कामकाज के लिए जाते हैं और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ लगाते हैं। ऐसे में प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां महुआ के बाया नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, फिर से एक बार तटबंध पर दबाव बना हुआ है। कई गांवों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर गया है। वहीं लगातार हो रहे बारिश के कारण भी भीषण जल जमाव हो रहा है। गांव और नगर परिषद के कई क्षेत्रों में भीषण जल जमाव हो गया है, जहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल में है। लेकिन प्रशासन लोगों की इस मुश्किल से निजात दिलाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। लोग खाने खाने को मोहताज हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा जल जमाव वाले क्षेत्र में सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों में भारी रोष व्याप्त है। जल जमाव वाले क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से जल निकासी एवं सामुदायिक किचन चलाने की मांग की है। वहीं कई स्थानों पर लोग अब चचरी पुल का सहारा ले रहे हैं। लोग खुद से चचरी पुल बना रहे हैं ताकि उनके घर तक आने जाने में परेशानी नहीं हो। महुआ से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। सामुदायिक किचन की व्यवस्था की जाए, सामुदायिक किचन का व्यवस्था किया जाए। नदी के सबसे ज़्यादा नदी के पानी से हम लोग ज़्यादा प्रभावित हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, गाय को खिलाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे को बाहर ले जाने में दिक्कत होगा, किसी प्रकार की समस्या आ जाएगा तो हमें बाहर निकलना मुश्किल है। कौन सा जगह का मामला है? यह सदापुर महुआ वार्ड नंबर 16 का मामला है। ये नदी का पानी पूरा आ गया है वार्ड नंबर 16 में। हम सदापुर महुआ से बोल रहे हैं। हमारे बच्चे का भी रात में बहुत तबीयत खराब हो गया था। कल नाइट को हमको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत परेशानी हुई है।